दोस्तों, प्रो कबड्डी सीजन 8 का मैच नंबर 78 बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यू मुंबा का पूरा हाईलाइट सिर्फ 2 मिनट में बताने वाला हूं, और साथ ही साथ इस मैच में बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड किसे मिला है वो भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल RKS पोस्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रो कबड्डी सीजन 8 का 78वां मुकाबला काफ़ी रोमांचक भरा रहा, और इस मैच में यू मुंबा ने बेंगलुरु बुल्स को 45-34 के अंतर से हरा दिया। इस मैच में यू मुंबा की पूरी टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा, जिसमें अभिषेक सिंह ने सबसे ज़्यादा 11 रेड पॉइंट हासिल किए। वहीं राहुल सतपाल ने 8 टैकल पॉइंट, भी अजीत कुमार ने 8 रेड पॉइंट, रिंकू ने 4 टैकल पॉइंट और हरेंद्र कुमार फजल अतराचली ने 3-3 टैकल पॉइंट हासिल किए। इसी शानदार प्रदर्शन के चलते यू मुंबा ने यह मैच को 11 पॉइंट के अंतर से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही यू मुंबा पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर जगह बना ली है। वहीं इस मैच में बेंगलुरु बुल्स की तरफ से पवन कुमार को रेडिंग डिपार्टमेंट में कोई भी साथ नहीं मिला। सिर्फ पवन ने ही सबसे ज़्यादा 14 रेड पॉइंट हासिल किए, और इनके अलावा कोई भी रेडर 1 रेड पॉइंट से ज़्यादा नहीं ला पाया। वहीं डिफेंस में भरत ने 7 पॉइंट, सौरभ नांदल ने 4 टैकल पॉइंट और अमन ने 2 टैकल पॉइंट हासिल किए। और इस सीजन में बेंगलुरु बुल्स को यू मुंबा के खिलाफ दोनों ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इस मैच में बेस्ट रेडर का अवार्ड पवन कुमार को मिला, वहीं बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड राहुल सतपाल को मिला। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यू मुंबा के शानदार प्रदर्शन से खुश हो तो यूट्यूब चैनल RKS पोस्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।